नमस्कार, इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। टेस्ट क्रिकेट 50 ओवर फॉर्मेट, उसके बाद T20 और अब क्रिकेट में लगने वाला है T10 का तड़का, और उसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग और मिस्टर अनीस जो बंगाल टाइगर्स के ओनर हैं। तो T10 लीग शुरू होने वाली दुबई में। जहीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस लीग में खेलने वाले हैं, लंबे समय बाद जहीर खान एक बार फिर मैदान पर उतरने वाले हैं और वो T10 लीग के साथ, थोड़ा इस लीग के बारे में बताइए। देखिए, इस अगर लीग के बारे में कुछ बताना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि 10-10 ओवर का मैच होगा, और 10 ओवर का जब मैच होगा तो फिर जो आप समझ सकते हैं कि एक एक बॉल की कितनी अहमियत होगी वहाँ पे, तो वही एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प चीज़ है इस लीग के बारे में। और एक्साइटमेंट भी है कि काफ़ी अरसे के बाद हमें वापस खेलने का मौका मिल रहा है, वापस मैदान में उतरने का मौका मिल रहा है, ड्रेसिंग रूम का माहौल इन्जॉय करने का मौका मिल रहा है, तो उस चीज़ को लेके हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। भाई, आप इस लीग के साथ जुड़ जरूर गए हैं, लेकिन आप इस लीग में खेल क्यों नहीं रहे हैं? मैं लास्ट ईयर खेला था ये लीग, तो मुझे इस साल लगा कि शायद इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने मैं वो जो पहले खेलता था वैसा नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि अब मेरी एज भी हो गई है, थोड़े रिफ्लेक्सेस कम हो गए हैं, तो शायद बेहतर है कि मैं एक मेंटर, एक बैटिंग कोच या कोच की तरह मैं इस टीम का हिस्सा रहूँ, इस लीग का हिस्सा रहूँ, लीग का आइकन हूँ। ऑब्वियसली तो मेरा काम है सिर्फ इस लीग को प्रमोट करना, इसके बारे में बात करना और इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ बातें करना, उनको जोड़ना इस लीग से। इस बार बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे T10 लीग में। एक एक, जैसे जहीर ने कहा कि एक एक डॉट बॉल की अहमियत है, इसमें कोई मिडल ओवर्स नहीं है जैसे वनडे और T20 में होते हैं, इसमें हर ओवर्स लॉन्ग ओवर है। और किस तरीके से, अगर हम बात करें, जिस तरीके से जहीर भाई ने बोला कि एक एक गेंद की बहुत अहमियत है, आपने कहा कुछ मिडल ओवर्स नहीं रहेंगे इस गेम में, तो इस गेम के अंदर जब एक खिलाड़ी मैदान पर उतरेगा तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से वो उतरे? माइंडसेट यही रहेगा कि हर गेंद पर उसको चौका छक्का लगाना है, क्योंकि दस जो मेरा माइंडसेट यहाँ पे होगा, क्योंकि 60 बोलों पर आपको 120 से 140 रन बनाने पड़ेंगे, जो कि वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि पिछले साल मैंने देखा कि हमने 130 रन चेज किए, हमने 135 रन चेज भी करवाए, तो इस बार भी वैसे ही कुछ होने वाला है। इस फॉर्मेट का एक फायदा है कि आपकी टीम बड़ी हो या छोटी हो, केवल एक प्लेयर आपको मैच जिता सकता है। अगर आप बाद में बैटिंग करो तो केवल एक बैट्समैन, अगर आप बाद में बॉलिंग करो तो केवल एक बॉलर, क्योंकि आखिरी ओवर तक आपको 15 से 20 रन चाहिए ही होंगे, चाहे आप पहले 9 ओवरों में कितना ही रन खा लें। तो ये इस फॉर्मेट की एक खास बात है, और दूसरी पब्लिक के लिए प्योर एंटरटेनमेंट है। वहाँ पर जो भी पब्लिक आती है वो विकेट देखने नहीं आती, वो सिर्फ चौके और छक्के का आनंद लेने आती है। तो जहीर भाई, ये तो इन्होंने साफ बोल दिया कि विकेट गिरते हुए कोई नहीं देखना चाहता, आप एक खुद गेंदबाज हैं, किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे वीरू भाई को? देखो, अगर आप जब भी क्रिकेट की बात करते हैं तो हमेशा मुकाबला गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में होता है, और गेंद और बल्ले का ये जो मुकाबला है, इसमें जब आपके ऊपर अगर बल्ला भारी पड़ रहा है तो आपको कुछ तरीके का ऐसे इजाब करना होगा जिससे आप इस बल्ले को रोक पाओ। तो हमारी भी कोशिश यही होगी कि कुछ ना कुछ ऐसे कोशिश करके आप गेम के ऊपर वैसा इम्पैक्ट लाए, क्योंकि जब भी हम क्रिकेट एज अ गेम की बात करते हैं तो हमेशा बल्लेबाजों का पड़ा ज़्यादा भारी होता है, लेकिन आपको मैच जिताता है गेंदबाज। तो आपको लगता है कि वो जब स्टार्स वहाँ जाएंगे दुबई में, इस लीग का हिस्सा बनेंगे, तो उससे इस लीग को भी बहुत फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल। देखिए, अगर भारतीय खिलाड़ी इस लीग के साथ जुड़ेंगे, जैसे कि पिछले साल वीरेंद्र सहवाग गए थे तो उन्होंने एक राह बना दी है कि अगर आप अगर जाके खेलो तो उसका खेल का अगर मज़ा आप ले सकते हो अभी भी। और जैसे कि मैंने कहा कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, जो ग्राउंड पे जाने का एक अपना मज़ा है, क्रिकेट से जुड़े रहने का एक अपना मज़ा है, तो उस मज़े को बरकरार रखने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए, अगर आपके साथ आपके यार दोस्त भी अगर और जा रहे हैं जिसके साथ आप क्रिकेट खेल चुके हो इतने सालों के लिए, तो वो भी एक जो ड्रेसिंग रूम की यादें और तरोताज़ा कर देंगे। और बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि जो इस लीग का जो मेन मकसद है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, तो लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट किस तरफ जा रहा है? टेस्ट क्रिकेट में अगर हम बात करें, टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा लोग आ नहीं रहे देखने के लिए। भारत इंग्लैंड सीरीज एक बहुत हिट सीरीज हुई थी, उसको लोगों ने देखा था, लेकिन उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में दर्शक नहीं पहुँच रहे देखने के लिए, और उस तरफ दूसरी तरफ T10 लीग हो रही है, T20 लीग्स बहुत सारी हो रही हैं, तो क्रिकेट किस तरफ जा रहा है? देखिए, क्रिकेट हमेशा, टेस्ट क्रिकेट तो एक उच्च स्तर का क्रिकेट रहा है, और पहले भी देखें तो चाहे इंडिया की बात करें कहीं और की, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में आज भी और पहले भी ग्राउंड पर लोग आते हैं मैच देखने, क्योंकि उन्हें टेस्ट क्रिकेट का शौक है। भारत में वो शौक थोड़ा कम हो गया, क्योंकि भारत में वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट का शौक ज़्यादा बढ़ गया है,
तो इसलिए भारत में कम लोग, कम दर्शक आते हैं ग्राउंड में, लेकिन फिर भी पाँच से दस हज़ार लोग आते हैं। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि छोटे शहरों में टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए भारत में, जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं मैच देखने के लिए। क्रिकेट जितने मर्जी फॉर्मेट आए, लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट के लिए प्यार है, क्रिकेट को देखने जाएंगे ज़रूर ग्राउंड में, चाहे हम जो जितनी मर्जी लीग कह लें, जहाँ भी होती हैं वहाँ के दर्शक ज़रूर आते हैं मैच देखने के लिए, या टीवी पर हम लोग भी ज़रूर देखते हैं जितनी भी लीगें होती है। तो क्रिकेट एक अच्छी दिशा में ही रहेगा, हमेशा अच्छी दिशा में ही जाएगा। इन लीग से क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो छोटे छोटे टैलेंटेड प्लेयर दूसरी कंट्रीज़ में छुपे हुए थे, वो भी उभर कर आगे आ रहे हैं और अपनी कंट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वो इन लीग में इतने इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलते हैं, और जब वो वापस अपनी कंट्री जाते हैं तो उनको जो एक्सपीरियंस यहाँ मिलता है वो शेयर करते हैं अपनी कंट्री के प्लेयरों के साथ। और ज़हीर भाई, इस साल के अंत में जो सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज़ होने वाली है, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, साल की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज साल के एकदम अंत में आने वाली है, तो इस टेस्ट सीरीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि इंडियन टीम इस बार जाकर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत पाएगी? जी बिल्कुल, अगर आप देखोगे कि जिस इंटेंट के साथ क्रिकेट खेली जा रही है, उस इंटेंट और उसका सक्सेस भी उनको मिल रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप ओवरऑल बैलेंस देखोगे तो ये बहुत एक अच्छा मौका है भारतीय टीम के पास कि ऑस्ट्रेलिया जाकर वहाँ पर ओवरसीज़ कंडीशंस में जो हमेशा एक चैलेंज होता है, वो मुझे लगता है कि अगर आप पिछले ओवरसीज टूर पे नज़र डालोगे, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड, तो वहाँ पे जो गेंद की साइडवेज मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वो ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने नहीं मिलती। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर भारतीय बल्लेबाजी, एक जो प्लेटफॉर्म ज़रूरी होता है टेस्ट मैच के लिए कि 350-400 रन का आंकड़ा अगर वो कंसिस्टेंटली बनाते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत अच्छा मौका होगा भारतीय गेंदबाजों को वो 20 विकेट चटका के मैच जीतने का। अगर पिछले हम 2-3 टेस्ट सीरीज की बात करें, चाहे इंग्लैंड हो, दक्षिण अफ्रीका हो, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो, विराट कोहली रन बनाते हैं, गेंदबाज विकेट लेते हैं, बाकी बल्लेबाजों को क्या हो रहा है? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक रास्ता ढूंढना होगा कि किस तरीके से आप जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ओवरसीज़ में, आपको अगर जीत हासिल करनी है तो वो चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंटली 350 या 400 का आंकड़ा बतौर बल्लेबाजी करते हुए बनाना पड़ेगा। तो अगर वो कंसिस्टेंटली बनाते तो मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अपने गेंदबाजों को देगा कि गेम पे इम्पैक्ट करके वो 20 विकेटें लेकर मैचेस जीते। मेरे भाई, सवाल जब मैंने पूछा आप थोड़ा सा हंसे, साउथ इंग्लैंड में रन नहीं बने, साउथ अफ्रीका में रन नहीं बने, ऑस्ट्रेलिया में रन बनेंगे? मुझे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में रन बनेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में देखो तो वहाँ पर सीम मूवमेंट बहुत होता है, इंग्लैंड जाओ तो स्विंग होता है, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ बाउंस होता है और कुछ नहीं होगा। तो अगर आप थोड़ी देर उस बाउंस को एडजस्ट कर लेते हैं तो उसके पास आप पूरे दिन रन बना सकते हैं। विराट कोहली ने करके दिखाया, 4 टेस्ट मैच में 400 वहाँ बना के दिखाए उन्होंने। तो और भी बल्लेबाजों से मुझे उम्मीद है इस बार कि वो वहाँ पर जाकर अच्छा रन बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरी है कि भारतीय टीम पहली इनिंग का जो टोटल है वो ऑस्ट्रेलिया के टोटल के बराबर बनाए, अगर बराबर बनाती है तो फिर हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं टेस्ट मैच जीतने के। ओपनर्स कौन रहने वाले हैं आपके? दो आप खुद ओपनर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जाके बहुत रन बनाए आपने, मुरली विजय की टीम में वापसी हुई है, तो पृथ्वी शाह भी है, केएल राहुल भी है। मुझे लगता है पृथ्वी शाह और केएल राहुल को ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रेंड है कि वहाँ पर जितने भी अटैकिंग बैट्समैन है वो रन बनाते हैं और वो मैच जिताते हैं। तो अगर जितने अटैकिंग बैट्समैन भारतीय टीम में खेले, मुझे लगता है केएल राहुल, पृथ्वी शाह और रोहित शर्मा, और इनके साथ विराट कोहली हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो डोमिनेट कर सकता है वहाँ पर इंडियन बैटिंग लाइनअप। आप चाहेंगे रोहित प्लेइंग 11 का हिस्सा हो? बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसा खिलाड़ी जो वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक बनाता है, क्या वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए? मैं तो बहुत टाइम से ये बातें कर रहा हूँ कि उसको टेस्ट क्रिकेट हर जगह खेलनी चाहिए, जहाँ उसको सूटेबल हो नंबर वो उसको मिलना चाहिए। और ज़हीर भाई, आपसे जानना चाहिए, ये जो गेंदबाजी डिपार्टमेंट इंडियन टीम का नया है, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ये तो एक्सपीरियंस गेंदबाज हो चुके हैं, तो ये जो नया एक जो लॉट आया है, इससे कितना ज़्यादा इंप्रेस हुए हैं आप? बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि अगर आप देखोगे कि बॉलिंग यूनिट में जो वैरायटी है, अगर आप डिफरेंट स्टाइल के गेंदबाज हैं, तो उससे आपके आपके टीम को काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर आप देखोगे शमी की जो शैली है बॉलिंग करने की, सीम बिल्कुल सीधा होता है, विकेट से काफ़ी अच्छे मूवमेंट उनकी होती है। बुमराह को अगर आप देखोगे तो उनके एक्शन का उन्हें एडवांटेज मिलता है, अनऑर्थोडॉक्स थोड़ा एक्शन है, अगर वो कंसिस्टेंटली आउटस्विंग करने लगेंगे तो वो और भी ज़्यादा दिक्कतें बैट्समैन को पैदा करेंगे। और मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार की स्ट्रेंथ हमेशा से ही स्विंग रही है, तो और ईशांत की और उमेश की बात करो तो कंसिस्टेंटली तेज़ गेंदबाजी कर सकते हैं।
और उमेश की खास तौर से अगर बात करनी है तो उनके पास एक बहुत अच्छा आउटस्विंग भी है और लंबे लंबे स्पेल भी वो टेस्ट मैच के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो करने में सक्षम है। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक वैरायटी ऑफ गेंदबाजी जो होनी चाहिए ओवरसीज़ कंडीशन में कि आपके पास 3 या 4 ऐसे गेंदबाज हो जो गेम पर इम्पैक्ट कर सके वो भारतीय टीम के पास है। और वीरू भाई इस लीग T10 लीग की अगर हम बात करें ICC इसको अप्रूवल मिल चुका है तो आप चाहेंगे कि आगे चल के फ्यूचर में जो बायलैटरल सीरीज T10 की शुरू पॉसिबल है हो सकता है वो भी क्योंकि जब T20 आया था तो किसी ने सोचा नहीं था कि T20 इंटरनेशनल भी होंगे। पहले कम होते थे एक एक मैच होता था अब तो सीरीज होती है 3 मैच की या 5 मैच की तो ऐसी शायद फ्यूचर में देखने को मिल सकता है कि T10 इंटरनेशनल भी हो सकते हैं और एक दिन में 2 मैच भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा इतना छोटा है कि आपको 2 बार एंटरटेनमेंट मिल सकता है। तो आप जरूर चाहेंगे कि इस तरीके से अगर कोई लीग होती मतलब कोई एक बायलैटरल सीरीज होती है T10 में तो आप उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आप जो ग्राउंड में लोग आते हैं मैच देखने उन वो क्यों आते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं कि उन्हें उनकी एक तो उनकी टीम जीते उन्हें एंटरटेनमेंट मिले तो T10 से बेहतर एंटरटेनमेंट तो शायद T20 भी नहीं दे सकता। एक अच्छा ट्रैवलर बनने के लिए एक अच्छी एक ऐसी साइड जो विदेश में जाके जीते क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आप लोग गए आप जीत कर आए हैं सीरीज भी आप जीत कर आए हैं टेस्ट मैचेस भी आप जीते हैं तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इस विराट की टीम को? देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि ओवरसीज टूर्नामेंट्स या ओवरसीज मैचेस जब आप खेल रहे होते हैं ओवरसीज सीरीज जब हो रही होती है तो सबसे अहम चीज़ ये कि आपको कम से कम 350 या 400 रन का आंकड़ा पहले अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो तो आप हमेशा गेम में होते हो आप उतना प्रेशर सामने वाली टीम पे डाल सकते हैं और अगर आप टीम की बात करोगे तो टीम बिल्कुल सक्षम है और साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने जीत हासिल की। हाँ सीरीज़ का रिजल्ट अलग रहा इंग्लैंड में भी कुछ ऐसे मैचेस थे वो उसका रिजल्ट अपने पक्ष में जा सकता था भारतीय टीम के लेकिन नहीं गया। लेकिन अगर आप इंटेंट ऐसे ही इंटेंट से खेलोगे एग्रेसिव क्रिकेट खेलोगे तो बिल्कुल जीत सकते हैं। और स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर अगर नहीं रहते हैं इस टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से बातें चल रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनका शायद बैन हटा सकता है तो स्टीव स्मिथ डेविड वॉर्नर अगर नहीं होते हैं तो क्या इंडियन टीम के लिए ये वन साइडेड सीरीज होगी? देखिए मुझे लगता है कि अगर आप भारतीय टीम के किसी भी सदस्य से ये सवाल करोगे तो उनका भी जवाब यही होगा कि हम हमारे क्रिकेट पे फोकस करेंगे हम हमारे स्ट्रेंथ्स पे खेलेंगे क्योंकि अगर आप आपकी स्ट्रेंथ पे खेलोगे तो रिजल्ट अपने आप आपको आ जाता है। ये नहीं कि सामने वाली टीम में कौन से प्लेयर खेल रहे हैं या कुछ भी वो जो भी टीम ऑस्ट्रेलियन टीम खेलेगी वो भी जीत के लिए खेलेगी। भारतीय टीम को भी यही सोच के खेलना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ तो स्टिक कीजिए आपके प्लान्स एग्जीक्यूट कीजिए तो जीत अपने आप में। और पिछली बार जब विराट कोहली गए थे ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट शतक उन्होंने मारे थे 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में इस बार कितने हम मान के चले? देखिए ये तो हमेशा से ही उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी और हम सभी भी हमेशा यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जब भी जाए वो अच्छे से अच्छे बैटिंग करे और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए तो ये तो हमेशा वो अपना एक जो सक्सेस का और कंसिस्टेंसी का बार है वो हमेशा ऊपर ही ऊपर और पुश करते रहते हैं तो इस बार हमें उम्मीद है कि वो और भी कोशिश करेंगे कि उस बार को और ऊपर ले जाए। हम लोग ड्रेसिंग रूम में एक ही बात कहते थे कि डबल इट अप सो होप अगर पिछली बार उन्होंने 4 मारे इस बार वो 8 मार के आए कि अगर उन्होंने डबल अप कर दिया तो भारतीय टीम के लिए और विराट कोहली के लिए बहुत अच्छा होगा। और वीरू भाई मेरा बस आपसे आखिरी सवाल है विराट कोहली रोहित शर्मा एक रेस इन दोनों के बीच चल गई है ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की तो उससे भारतीय क्रिकेट को फायदा जरूर होगा। मतलब मुझे लगता नहीं कि उन दोनों के बीच में कोई नहीं, जिस तरीके से बट उन दोनों का काम है रन बनाना और वो दोनों अपना काम बखूबी निभा रहे हैं क्योंकि जब ओपनर जाता है रोहित शर्मा तो उसका काम है अच्छा स्टार्ट देना और वो दे रहे हैं उसके बाद अगर कभी जल्दी विकेट गिर जाती है तो विराट कोहली का काम है उसको संभालना और रन बनाना जो कि विराट कोहली से बेहतर कोई नहीं कर सकता। बस ज़हीर भाई हमारा आपसे आखिरी सवाल T10 लीग के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे भारत में जो दर्शक आपके इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं किस तरीके से अवेयर कराना चाहेंगे और किस तरीके से जुड़ सकते हैं इस लीग के साथ? एक नया फॉर्मेट है दूसरा साल है ये तो उम्मीद यही है कि जो पिछला साल था उससे और भी अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इसका मज़ा उठाए मैचेस का और जितने ज़्यादा दर्शक देखेंगे जितने ज़्यादा और इस लीग का हिस्सा बनेंगे उतना ही हम सबको फ़ायदा होगा और उतना ही क्रिकेट का ज़्यादा फैलाव होगा और तो उम्मीद यही है कि आप सबको ये लीग देखने में मज़ा आएगा। बस आप भी इनवाइट कर दीजिए दर्शकों को इस लीग के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो इंटरव्यू देख रहे हैं कि ये T10 लीग जरूर फॉलो करेंगे। 21 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी सोनी चैनल पे ये आएगी देखना मत भूलिएगा।